बिस्मिल लाइफ मान रही निदाय किसान टीवी पर आपका मेजबान चौधरी अख्तर फारूक एडिटर निदाय किसान। किसान भाइयों, हमारी कोशिश होती है कि आपको हर वो बात दी जाए, हर वो इनिशिएटिव दिया जाए जिससे आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। आज हम एयूब रिसर्च में एक ऐसे प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पास बैठे हैं कि जिसके पास आपके मसाइल का हल है, वो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और आपकी उस फसल की खिदमत करना चाहते हैं जो नकद आ रहा है, जिसने आपकी मीशत को मजबूत भी करना है और जिसने आपकी मीशत को नीचे गिराना भी है, और वो है गंदम। पिछले कुछ अर्से 3-4 साल से एक बीमारी आ रही है और वो फार्मर परेशान हो जाता है, जो बरवकत कार्रवाई कर लेते हैं कुछ बच जाते हैं लेकिन ऊन रगड़े जा रहे हैं। इस नुकता नज़र से कि आने वाले दिनों में ये फसल काश्त होनी है, तो क्यों ना उसको अभी से ही फार्मर को अवेयरनेस दी जाए ताकि जब वो काश्त करे उस वक़्त वो इन चीज़ों से नुकसान से बच सके। इससे मुराद है कि एक बीमारी है रस्ट, वो उसको 3-4 उसके नाम हैं लेकिन आम उसकी निशानी है कि वो काली हो जाती है, भूरी भी हो जाती है, जब फार्मर खेतों में जाता है गुजरता है उसके कपड़े उसके रंग लग जाते हैं, ये बीमारी है और उससे फसल की फी एकड़ पैदावार में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आज हम जिस प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पास बैठे हैं अयूब, यहाँ पर अयूब रिसर्च में, उनका नाम है अजीज़ रहमान साहब, बहुत नामवर हैं, अपने काम में ग्रिप रखते हैं, उनकी एक एक लफ्ज सोने से लिखने के काबिल है, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब आप उस पर अमल करेंगे। पर अगर आपने उस पर अमल ना किया, उनकी वीडियो देखी और इसका आंसर सुना उसका आंसर निकाल दिया, तो फिर उनकी आप बेकदरी करेंगे। कदर कीजिए ऐसे लोगों की जो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, और आज भी जो आपको बातें करेंगे वो आपके लिए करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आप कर आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत नाम है माशरे में, हर जगह पर फोरम पर, जहाँ पर वो रिसर्च पेपर होते हैं, जहाँ पर कोई ऐसी आउटपुट होता है या इनपुट देना हो, वहाँ पर आपके बगैर ये काम आगे नहीं चलता। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में, आपके रुतबों में और मजीद बुलंदी दे और आपको किसानों की खिदमत करने का और अच्छे से अच्छा मौका फराहम करें जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में निजात का बास बने। लेकिन आज मैं ये चाहूँगा कि जो पिछले 3-7 सालों से फार्मर एक बीमारी है, रस्ट है, उसके हवाले से बड़ा परेशान है। आप परेशान नहीं हैं क्योंकि आपके पास हल है, लेकिन आप उन फार्मर्स को बताइए कि वो परेशान ना, उसका हल ये है और किस तरीके से है ताकि वो अपनी फसल की फी एकड़ पैदावार बढ़ा सके और पाकिस्तान की मेशी को मजबूत कर सके। तो इसको तफसील से ज़रा बयान करें। बिस्मिल्लाह, की जो फसल है वो हमारी सबसे अहम फसल है और हमारे मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस फसल पर कुंगी की फसल या यानी जिसको रस्ट कहते हैं, उसका बास पाने वाले पैथोजन या जरासीम में इतनी तब्दीलियां आई हैं कि हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। इसकी वजह एनवायरमेंटल चेंजेस भी है, कुछ पूरी दुनिया में जो काश्त की जाने वाली अकसाम हैं ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में, उसका गलत इंतखाब कह लें या मिस प्लानिंग कह लें, जो कि ज़्यादातर फार्मर की तरफ से हो रही है, वो इसकी बड़ी वजह है। 1965 यानी कि 1965 में जो सब्ज़ इनकलाब हमारे मुल्क में आया, जिसमें छोटे कद वाली किस्मों को मुतारफ़ कराया गया, उसके बाद बहुत हद तक हमने जीनियाती ज़राए से ही इस बीमारी को कंट्रोल किया। अगरचे दुनिया के बहुत से मुल्क जिनमें यूरोप मुल्क शामिल हैं, वो कीमियाई अद्वियात के ज़रिए इस बीमारी को कंट्रोल करते रहे हैं, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह यह थी कि हमारे साइंसदानों ने वक़्त के हिसाब से इस जरासीम में होने वाली जीनियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी किस्में दी जो कि हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया के इस खत्ते में मौजूद जरासीम की जो अकसाम थी उनसे नमूद आजमा होने की बेहतरीन सलाहियत रखती थी। होता ये था कि हम पिछले ज़माने में ये कहते थे कि ये जो येलो रस्ट है
یعنی کہ زرد کنگی جس کا جو جس کے جو پاؤڈر زرد قسم سا پاؤڈر جو ہے وہ پتے سے گرتا ہے یہ ہمارے نارتھ ایریا یعنی شمالی علاقوں کی بیماری ہے چونکہ یہ کم درجہ حرارت پہ پھیلتی ہے 20 ڈگری ٹمپریچر جب 20 ڈگری سیلسیس سے اوپر جاتا ہے تو یہ خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے پھر ہمارے جو سینٹرل زون ہے جس میں فیصل آباد ڈویژن گوجرانوالہ ڈویژن لاہور اور یہ خانے وال وغیرہ کے علاقے جو شامل ہیں اس میں جو بیماری جو ہے وہ نظر آتی تھی اس کو ہم بھوری کنگی کہتے ہیں اس کے لیے تھوڑے سے زیادہ ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے یہ تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک 20 سے 25 جو ہے وہ اس کا بہترین جو ہے پسندیدہ ٹمپریچر ہے تو اس کو اس ٹمپریچر میں یہ زیادہ پھیلتی ہے تو یہ اس علاقے کی بیماری تھی اور پھر جو ہمارا ایکسٹریم ساؤتھ کا علاقہ ہے کوسٹل ایریاز ہیں یا سندھ کا ساحلی علاقہ یا زیری سندھ کہہ لیں ہم وہاں جو بیماری عام طور پہ نظر آتی تھی وہ تھی کالی کنگی جسے کہ سٹیم رسٹ کہتے ہیں لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پچھلے سالوں سے کچھ یوں ہوا کہ جو ہماری زرد کنگی ہے یہ ہمارے سینٹرل پنجاب بلکہ ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں بھی نظر آئی ہے اور اس نے کافی نقصان کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے جو ذمہ دار بھائی تھے انہوں نے جو قسمیں کاشت کیں وہ جو بہت پرانی قسمیں مثلاً وطن ہے انقلاب ہے یا سندھ میں کہہ لیں کرن ہے اور ان کی باقی جو ٹی ڈی ون جو سندھ کی قسم تھی وہ بھی ہمارے پنجاب کو چھوڑیں آپ ہمارے جو ہائی رسک ایریا ہے زرد کنگی کا جس کو ہم یہ پوڈوار کا ریجن کہتے ہیں وہاں بھی بہت سے ایریے پہ یہ کاشت ہیں جس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بیج بیچنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے جو جنوبی علاقے کی اقسام تھیں ان کا بیج لے جا کے ہمارے پوڈوار کے علاقے میں بیچا جس جب ٹی ڈی ون اٹک میں یا فتح جنگ میں لگے گی تو اس پہ تو پھر یلو رسٹ آئے گی ہی اس کا کوئی تدارک نہیں ہے اسی طرح ہم تو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نئے جین جینیاتی جو کمبینیشن ہیں ان کو متعارف کروائیں مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب یہ سبز انقلاب کے شروع کا زمانہ تھا اس وقت میکسی پارک چناب صفدر اور اس طرح کی قسمیں آئیں ان کا ایک اپنا جینیاتی نظام تھا جنہوں نے جو اس وقت کی جو جراثیم کی اقسام تھیں ان کے خلاف بہترین قوت مدافعت رکھتا تھا لیکن پھر ایک قدرت کا نظام ہے سروائیول آف دی فٹسٹ ہے کا ایک تھیوری ہے سائنس کی دنیا میں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جراثیم کو روکتے ہیں کچھ ایسے جین یا دوائیاں متعارف کروا کے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو چینج کرتا ہے ان سے وہ نپٹنے کا اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے جس سے اس میں ان جو بیریئرز ہیں جینیٹک بیریئرز ہیں یا کیمیائی ادویات ہیں ان سے جو نمٹنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہوا کہ پھر وہ میکسی پاک اور چناب صفدر کے خلاف بھی اس نے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کر لی اس میں جینیاتی تبدیلیاں پیتھوجن میں یا جراثیم میں بھی آ گئیں پھر اس کے بعد ایک دور آیا پھر وہ ایل آرتھرڈین کمپلیکس کا دور آیا جس میں یبورا بلیو برڈ ہم اس کو بلیو برڈ کی اقسام کہتے ہیں تو وہ یبورا پاری ساندل اس طرح کی اقسام جو ہیں وہ متعارف کروائی گئیں جو کہ اس وقت میں موجود جو تھیں جراثیم کی اقسام ان کے خلاف بہترین مدافعت رکھتی تھی لیکن پھر ایک نیا انقلاب آیا گندم کی ریسرچ میں جس کو ہم ون بی ون آر ٹرانسپورٹیشن کا دور کہتے ہیں ہوا یہ کہ ہمارے سائنسدان اس کوشش میں تھے کہ گندم کی جو جنگلی اقسام ہیں ان کے اختیار سے ہم کچھ ایسی اقسام متعارف کروائیں جو بالکل اس بیماری کے خلاف امیون رسپانس رکھتی ہوں یعنی کہ ان پہ ڈیزیز بالکل ہی نہ آئے تو وہ جو کامیاب ہو گیا ہے تو یہ رشیند نے ایک کام شروع کیا تھا 1886 کے قریب تو ان کی ریسرچ کے نتیجے میں یہ چلتے چلتے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ ایک ورائٹیز کا گروپ آیا قسموں کا گروپ آیا گندم کی قسموں کا گروپ جس کو ہم ون بی ون آر ٹرانسلوکیشن گروپ کہتے ہیں اور اس عام میں ہم اس کو ویریز کہتے ہیں اس گروپ کو ویریز پوری دنیا میں متعارف ہوئیں ان کی خوبی یہ تھی بلکہ خوبصورتی یہ تھی یہ بہترین پلانٹ ٹائپ
बिल्कुल हर किस्म की बीमारी से फ्री, बेहतरीन पैदावार, हर किस्म के नामसाद हालात जो मौसमी हालात हैं उनके खिलाफ बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़िर। वजह यह थी कि इनमें जंगली जो गंदम है उसका उसके कुछ जीन शामिल हुए थे, तो इस वजह से इन्होंने पूरी दुनिया के जो गंदम के काश के इलाके हैं उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ज़मींदार सोचते ही नहीं थे कोई कुछ और काश्त करे, वो इसी ग्रुप की मुख्तलिफ अकसाम काश्त करते थे और दुनिया के तकरीबन 40 के करीब ममालिक में इसकी तकरीबन 60 से ज़्यादा अकसाम जो थी इस ग्रुप की वो रिलीज़ हुई, जिसमें हमारा सब कॉन्टीनेंट शामिल है, जिसमें यूरोप के बहुत से इलाके शामिल हैं, बल्कि मैं सब इस यही कहूँगा कि सवाए ऑस्ट्रेलिया के दुनिया के हर खित्ते में इस तरह की अकसाम ने राज किया। उनको बहुत डिजीज आई मिली, 10 साल तक इन्होंने अपना लोहा मनवाया, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी जो थी वो गंदम की कुंगी की एक नई किस्म जिसको जो स्टेम रस्ट जिसको काली कुंगी कहते हैं उसकी एक किस्म UG99 जो थी वो एमर्ज हुई। येलो रस्ट की नई किस्में आईं, लीफ रस्ट की नई किस्में आईं, जिसकी वजह से फिर मोनोकल्चर जो था उसके नुकसान सामने आ गए और दुनिया को एक गजाई बहरान की के थ्रेट का सामना करना पड़ा। फिर साइंसदानों ने सर जोड़ा और नई जहतें जो थी रिसर्च की उनकी तरफ उन्होंने तवज्जो दी और फिर नया जीन कॉम्बिनेशन दरियाफ्त किए, जिसके नतीजे में फिर कुछ नई अकसाम मार्के वजूद में आई। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये हुआ कि हम जो नई अकसाम बना रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों की कम इल्मी के बायस, वो अकसाम फील्ड में मौजूद तो हैं लेकिन वो चूँकि घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, वो बीज जो सर्टिफाइड सीड है उसको खरीदने की बहुत कम ज़हमत करते हैं और फिर सीड कंपनियां भी ऐसी अकसाम को का बीज बनाती हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जिनका नाम है जैसे इनकलाब है, शहर है और या गैलेक्सी है, जो कि अब फेल हो चुकी हैं, वो उनका बीज बना बना के बेचते रहते हैं। तो जो एक इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है गंदम की मूंगी को वो ये है कि इसकी जो अकसाम है उनको जीनियाती जो बैक मुख्तलिफ जीनियाती बैकग्राउंड की जो अकसाम है उनको 5 साल के वक्त से तब्दील करते रहना चाहिए, जिससे इसके अंदर जो जरासीम इसके अंदर जो तब्दीलियाँ वाकई होती हैं जरासीम के अंदर तो वो खास ध्यान नहीं देते, चूँकि उन्होंने तो बीज बेचना होता है, उनको इसके बारे में ज़्यादा इलम नहीं होता, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आया। यकीन माने उसमें बिल्कुल ही उसका सत्यानाश हो चुका था। इसी तरह दीगर अकसाम हैं जो कि TD1 का पंजाब में बहुत बुरा हाल हुआ, इनकलाब का हुआ, गैलेक्सी जिसको हम बहुत देर से कह रहे हैं कि इसकी जो काश्त है उसको बंद किया जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा लंबी बात करने की बजाय इसको अब कंक्लूड की तरफ जाता हूँ, तो सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो नई अकसाम हैं आप उनकी काश्त की तरफ तवज्जो दें। सिंपल सा तरीका है कि जो भी किस्म है उसके नाम के आगे ना एक साल लिखा होता है, मसलन गैलेक्सी 13, उजाला 16, अनाज 17, अकबर 19, इसी तरह दूसरी किस्मों के भी नाम के साथ आखिर में जो सन है उसके मंजूरी का वो लिखा होता है। आप बस ये देख रहे हैं कि जो 5 साल से पुरानी अकसाम हैं आप उनको काश्त ना करें, तो नई अकसाम की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये एक मोटा सा तरीका है आप लोगों को ये जांचने का कि क्या इस किस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत है या नहीं है। मतलब हमारी जो नई किस्में हैं उनमें अनाज और गाजी है हमारी किस्म, अकबर है, उसके अलावा उजाला में भी अभी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी है कि उसको काश्त किया जा सकता है, इसके अलावा हमारी फखरे बकर है, बकर स्टार है, और इस तरह पाकिस्तान 13 है। तो इस तरह जो भी हमारी किस्में जो 2015 के बाद हुई हैं मंजूर, आप ज़रा मेहरबानी करके उनकी तरफ तवज्जो दें, और चूंकि अब ये वक्त है आप उन जो किस्मों का आपके पास बीज है उसको महफूज करें और अभी से ये कोशिश करें आप कोई नई अकसाम का जो बीज है वो कहीं से मुयस्सर हो जाए और आप
उसको अच्छी तरीके से साफ़ करें, ग्रेड करें और एक ज़रूर करें कि बीज को दवाई लगाकर काश्त करें। इससे जो होता है जो सीड के साथ मौजूद जरासीम होते हैं जैसे करनाल फंड है जो बड़ा मसला बन रही है हमारे लिए, या दूसरी जो सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं या सीड बोर्न डिजीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने का यह तरीका है। मजबूरी की हालत में अगर आपकी फसल में कुंगी आ गई है आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप इंतहाई मजबूरी की हालत में करें, इसको एक रूटीन का अमल ना बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे काश्तकार भाई इन बातों पे अमल करते हुए और अच्छी अकसाम, सिर्फ अच्छी अकसाम की काश्त के ज़रिए और बीज को दवाई लगाने के अमल के जो बूंदी कश अद्वियात हैं उनको लगा कर काश्त करने के ज़रिए ही अपनी जो है गंदम की पैदावार को सस्टेन कर सकते हैं और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और बग़ैर किसी एनवायरमेंटल हैज़र्ड के वो इन सब बीमारियों पे काबू पा के अपनी फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ किसानों, एक काम आपका करना है, जो ज़मींदार घराने हैं जिनके घर में एजुकेशन आ चुकी है, एक खानदान एक घर अपने बच्चे को ज़री ग्रेजुएट ज़रूर बनाए। जो आप वारस हैं इस तहकीक के, इस मंजिल के, इस मनसब के, आप हैं हकीकी वारस, ये आप पर फ़र्ज़ आइन हैं, इसको समझ लीजिए। अगर आपके पांच बेटे हैं दूसरे शोबों में जहाँ मर्जी जाएँ लेकिन एक ज़री ग्रेजुएट ज़रूर। और दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये जो ज़री साइंसदान हैं, ज़री ग्रेजुएट्स हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, ये आपके पुश्तीबान है, आपके माशरे में पीरों की बहुत कदर होती है। और अगर आप पीर मानते हैं तो इनको अपना पीर मानिए, इनकी कदर कीजिए, इनको वो मकाम दीजिए। लेकिन अलमिया ये है कि इस मुल्क में इस साइंसदानों को, ज़री ग्रेजुएट्स को वो तहफ़ नहीं है। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मेरा यहाँ का ज़री ग्रेजुएट जो हर एक काबल बैरून मुल्क जाकर पेट्रोल पंप पर तेल डालता है, टैक्सी चलाता है, तो दिल खून के आंसू होता है। इसलिए इसको उनकी खिदमत करनी थी, वो क्या करे, उसने पेट भी तो पालना है, यहाँ पर उनको कोई तहफ़ नहीं है। मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, किसानों आपने भी इसमें आवाज़ बुलाना है कि आपने इनके साथ मिलाइए कि इनको वो तहफ़ फराम किया जाए। ये खिदमत कर रहे हैं आपके लिए, इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैकेज मिलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं छोड़ के जा रहे हो यहाँ पर कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत काबिल एहतराम है। आप इनकी आवाज़ बनिए, आप इनकी आवाज़ जब बनेंगे जब आप इनकी बातों पर अमल करेंगे। मेरा हुकूमत से भी मुतालबा है कि खुदारा इस मुल्क को ज़री है तो इन फरिश्तों की खिदमत, इनको तहफ़ फराम कीजिए। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो जितने मर्जी बना लें, रिसर्च के इदारों को आप दे नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। लिहाजा आपके मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये मुस्तकबिल के बानी हैं, कल के तहफ़ करने वाले फराम के जामन हैं ये लोग, इनको तहफ़ फराम कीजिए। जब तक के लिए निदाए किसान टी वी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।